सेक्शन 6 इंडियन पेनल कोड चैप्टर 2 जनरल एक्सप्लेनेशन क्या है कि हम सेक्शन 6 के बारे में अच्छे से जानेंगे, क्या है सेक्शन 6 आईपीसी का और इसके बेसिक पॉइंट क्या है, इसमें क्या बताया गया है, वो एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 6 का टाइटल क्या है, डेफिनेशंस इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। मतलब क्या है टाइटल का, टाइटल का मतलब है कि कोई भी आप एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हो या फिर कोई भी सेक्शन पढ़ रहे हो तो उसके साथ कोई एक्सेप्शन तो नहीं है, कोई अपवाद तो नहीं है, और अगर वो एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है, वो उसमें अपवाद है, तो आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा। और वो कौन से चैप्टर में दिया है, हमें चैप्टर 4 में। अब हम देखते हैं इसका थ्योरी पार्ट और एक एक पॉइंट। थ्योरी पार्ट में अगर हम देखें, पहले इसको थ्योरी पढ़ लेते हैं उसके बाद इसको समझ लेंगे। थ्रू आउट दिस कोड एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, एवरी पेनल प्रोविजन एंड एवरी इलस्ट्रेशन ऑफ एवरी सच डेफिनेशन और पेनल प्रोविजन शैल बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शन कंटेन इन द चैप्टर एंटाइटल जनरल एक्सेप्शन। ये वाला जो जनरल एक्सेप्शन है, ये चैप्टर 4 है, उसकी भी हम बात करेंगे, उसमें क्या क्या आगे आपको समझ में आ जाएगा। दोज एक्सेप्शन आर नॉट रिपीटेड इन सच डेफिनेशन पैनल प्रोविजन और इलस्ट्रेशन। सेक्शन 6 से कि आईपीसी में जितनी भी डेफिनेशन है, जितने भी पैनल प्रोविजन है या जितने भी इलस्ट्रेशन है, इनके बारे में बात करते हैं, ठीक है, इनके बारे में बताते हैं। ये बात हो गई एक। अच्छा, एक जो ऑफेंस की डेफिनेशन है वो कैसे होगी, ये जो हमने यहाँ पे देखा कि डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस वो कैसी, काफी सारे हम जो सेक्शन अभी आगे पढ़ेंगे उनमें क्या है, जो ऑफेंस है उसकी डेफिनेशन बताई गई है कि ये ऑफेंस है और इसकी ये डेफिनेशन है, ठीक है, कि ऑफेंस है क्या, जैसे कि व्हाट इज रेप, व्हाट इज मर्डर। जो सेक्शन हमारा डील करता है रेप से, वो कौन सा है, सेक्शन 375, जिसकी डेफिनेशन हमें बताई गई है, और उसी सेक्शन से आगे वाला 376, इसमें ये बताया गया कि इसमें पैनल प्रोविजन बताया गया, मतलब उसकी जो पनिशमेंट है वो कितनी होगी। मतलब पैनल प्रोविजन कैसे, कि कई सेक्शन ऐसे हैं जिन्हें पैनल प्रोविजन कहा जाता है, मींस वो सेक्शन ये बताते हैं कि इनमें कितनी सजा दी जा सकती है, कि इस जो ऑफेंस के साथ में, इस ऑफेंस की इतनी सजा यहाँ पे दी गई है इस सेक्शन में। ये बात होगी पैनल प्रोविजन की। पैनल प्रोविजन का मतलब क्या है, कि उसमें बताया गया है सेक्शन में कि इस बंदे को इतनी सजा होनी है इस ऑफेंस में, ठीक है। जैसे कि सेक्शन 300 मर्डर से डील करता है, और सेक्शन 302 उसमें बताया गया कि पनिशमेंट ऑफ मर्डर कितनी होगी, तो वो हमारा हो गया पैनल प्रोविजन। और एक होगी हमारी डेफिनेशन, जिसमें सिर्फ ये बताया गया कि ऑफेंस क्या है, ये रेप क्या है, ये मर्डर क्या है, चोरी वाला जो सेक्शन है उसमें चोरी क्या है, ये सब बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे हमने पढ़ा इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन का मतलब क्या होगा, मतलब क्या होगा, उदाहरण। इलस्ट्रेशन को हम ये भी कह सकते हैं, बहुत सारे सेक्शन ऐसे हैं जहाँ पर उदाहरण बताए गए हैं, इलस्ट्रेशन बताए गए हैं डेफिनेशन के साथ और पैनल प्रोविजन के साथ। अच्छा ठीक है, हमने ये तीन पॉइंट कर लिए, डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस, ऑफ एन ऑफेंस, एवरी पैनल प्रोविजन और इलस्ट्रेशन। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया कि सेक्शन 6 ऑफ आईपीसी सेज कि एक आईपीसी के अंदर चैप्टर जिसमें जनरल एक्सेप्शन है, चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 4, ठीक है। जनरल एक्सेप्शन मीन्स अपवाद, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे बात की गई है। तो सेक्शन 6 ये कहता है कि पूरी आईपीसी में जितने भी ऑफेंस हैं उनकी डेफिनेशन है, ऑफेंसेस की जो डेफिनेशन हर एक आगे आप देखोगे सेक्शन में बताई गई है, और उसकी पनिशमेंट बताई गई है, पैनल प्रोविजन जिसको हम बोलेंगे, या इलस्ट्रेशन है, उन सब के साथ जनरल एक्सेप्शन ऑटोमेटिकली पढ़ा जाएगा अगर वो जनरल एक्सेप्शन आ रहा है तो, ठीक है। बट ऐसा है कि उन सेक्शन के साथ जनरल एक्सेप्शन को बार बार रिपीट नहीं किया जाएगा, ये बात बोली गई। उसके बाद इलस्ट्रेशन मतलब उदाहरण क्या दिया गया है सेक्शन 6 में। नंबर 1 पे देखो, द सेक्शन इन दिस कोड विच कंटेन डेफिनेशन ऑफ ऑफेंसेस डू नॉट एक्सप्रेस दैट ए चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज, पॉइंट टू बी नोटेड,
cannot commit such offenses, but the definitions are to be understood subject to, be understood subject to the general exception, which provides that nothing shall be an offense which done by child under 7 year of age. मतलब क्या है इसका? ये जो इलस्ट्रेशन ए है, इसका अगर हम सिंपल भाषा में इसको समझे ना, सेक्शन 300 डील करता है किससे? मर्डर से. और सेक्शन 302 क्या डील करता है? उसकी पनिशमेंट से रिलेटेड. अब यहाँ पे जनरल एक्सेप्शन क्या आ जाएगा? कोई 7 साल का बच्चा अगर किसी का मर्डर कर देता है तो क्या उसको पनिशमेंट होगी? क्या उसको सजा होगी? तो ये तो अपवाद हो गया. अब यहाँ पे तो इन सेक्शन में तो बोला नहीं गया, पनिशमेंट में नहीं बोला गया कि 7 ईयर के बच्चे को सजा नहीं होगी, लेकिन जनरल एक्सेप्शन में ये लिखा हुआ है कि कोई भी 7 साल का बच्चा जो मर्डर करता है तो उसको सजा नहीं होगी. ये बात होगी तो हो गया ना अपवाद, हो गया ना कि भैया वहाँ पे तो बोला गया है कि उसको सजा नहीं होगी और सेक्शन 302 में ये बात बोली नहीं गई है. तो ये बात है यहाँ पे. तो जब भी हम सेक्शन 302 पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हम क्या पढ़ेंगे? जनरल एक्सेप्शन की. भैया ये अपवाद पढ़ना पड़ेगा. अ पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट एप्रीहेंस जेड हु हैज कमिटेड मर्डर. हेयर ए इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल कॉन्फाइनमेंट फॉर ही वॉज बाउंड बाय लॉ टू एप्रीहेंड जेड एंड देयरफॉर द केस फॉल विद इन द जनरल एक्सेप्शन विच प्रोवाइड दैट नथिंग is an offense which he done by a person who is bound by law to do it. इसका मतलब क्या है कि कोई भी अगर पुलिस ऑफिसर है वो किसी इंसान को अरेस्ट करता है विदाउट वारंट और उस इंसान ने मर्डर किया है तो पुलिस ऑफिसर को दोषी नहीं माना जाएगा. यहाँ पे एक्सेप्शन कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो लॉ से बाउंड है, ठीक है, मतलब कोई भी व्यक्ति जो कानून के द्वारा बाध्य है किसी काम को करने के लिए तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा अगर वो किसी ने मर्डर किया है और उसको विदाउट वारंट उसको अरेस्ट कर लेता है. तो सेक्शन 6 यही कहता है कि जितने भी डेफिनेशन है, जितने भी पैनल प्रोविजन है, इलस्ट्रेशन है, इनके साथ में हमें जनरल एक्सेप्शन को भी ऑटोमेटिकली पढ़ना पड़ेगा. दूसरा फिर जो इलस्ट्रेशन में बात की कि भाई बताया गया एग्जाम्पल के उदाहरण के तौर पे कि कैसे एक डेफिनेशन बताई गई है एक ऑफेंस की और उसकी पनिशमेंट बताई गई है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि उस बच्चे को जो 7 साल से छोटा अगर वो मर्डर कर देता है तो उसको सजा नहीं दी जाएगी. कहीं पे सेक्शन में नहीं लिखा है लेकिन एक्सेप्शन में लिखा है, जनरल एक्सेप्शन में जो हम पढ़ेंगे. दूसरा जो बी पार्ट है उसमें एक ऑफिसर के, पुलिस ऑफिसर के बारे में बताया गया कि अगर वो किसी इंसान को अरेस्ट कर लेता है विदाउट वारंट, जिस इंसान ने कोई मर्डर किया है, तो वो रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट के अंडर में नहीं आएगा, ठीक है, उसको गिल्टी नहीं माना जाएगा. सो यही है सेक्शन 6 की. आप जितने भी ऑफेंसेस की डेफिनेशन पढ़ोगे, उसकी जो पनिशमेंट है, पैनल प्रोविजन है वो पढ़ोगे या इलस्ट्रेशन पढ़ोगे तो उसके साथ जनरल एक्सेप्शन है भैया, वो ऑटोमेटिकली आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है. अब आपको जर्नल एक्सेप्शन क्या है ये तो भैया मैं जब आर्टिकल डालूंगा आप उसमें आप देख लेना, बाकी आप गूगल सर्च कर सकते हो जर्नल एक्सेप्शन चैप्टर 4 IPC का, जो है वो आप पढ़ सकते हो. तो यही है सेक्शन 6. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.